बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का सेक्शन शुरू किया हुआ है कि टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी अप्लाई सम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और इससे पहले मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म किया था और आपको उसके लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से पहले मैंने ऑर्डिनरी जो एलिमेंट्री फंक्शंस थे उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना सिखाया, एंड देन फिर मैंने उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कैसे डील करते हैं वो बताया थोड़ा सा, और फिर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी देखा। तो आज हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो दूसरा सेक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाएंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम सीखेंगे। और आज का और इंशाल्लाह अगले दो लेक्चर्स में हम इस ट्रबल हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ के हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे ट्रांसफॉर्म्स में एक चीज कॉमन है जो मैं बड़े अच्छे से कह रहा हूँ और आज फिर भी कहना चाहता हूँ आपसे, और मैं शेयर करना चाहता हूँ ये बात, और वो ये है कि इन सारे ट्रांसफॉर्म्स में इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और अभी एक इसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद एक हेंकेल ट्रांसफॉर्म रहता है हमारा, उसको भी हमने करना है। तो आप स्टूडेंट्स इस बात को बिल्कुल पल्ले बांध लें कि यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन जी, विदाउट इंटीग्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म्स। सो द रिव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर इज बेसिकली, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द लैपलास ट्रांसफॉर्म इन द लास्ट टू और थ्री लेक्चर्स। हियर आई एम गिविंग द रिव्यू ऑफ द होल लैपलास ट्रांसफॉर्म। वट आई स्टडीड बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया था हमने, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया था, हमने पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया था, और हमने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू कर दिया था। और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो वो जीरो टू इन्फिनिटी है, उसकी जो डोमेन है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यानी वो हाफ प्लेट के लिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो। लेकिन जाहिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो फुल रेंज आपके मानते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम कुछ ऐसे भी हैं जैसे वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए वो वैलिड होते हैं, जैसे अभी आप आगे इंशाल्लाह इस लेक्चर में जैसे अगले लेक्चर में जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो वहाँ पे हमने इनको डिस्कस किया ऑलरेडी डिटेल के साथ। देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म को देखा था, जिसमें इंपॉर्टेंट तरीन जो प्रॉपर्टी थी मेरी नज़र में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। यस, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट जी। आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करना सही तौर पे आता है तो फिर कोई इशू नहीं है, और डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे देखोगे, इवन पार्शियल को छोड़ो आप ऑर्डिनरी का कैसे देखोगे। तो आपको इन जो बेसिक्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी ऑफ कोर्स जब आप लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो किसी इक्वेशन के ऊपर किसी फंक्शन के ऊपर, तो वो तो ये तो एक टूल है, जस्ट लैपलास ट्रांसफॉर्म इज अ टूल टू गेट द सोल्यूशन। तो टूल ये फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कन्वर्ट कर देता है अलजेब्रिक इक्वेशन में, और पीडीईज को कन्वर्ट करता है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप इसे सोल्यूशन लेते हो तो स्टिल यू आर इन द पैरामीटर एस विच इज ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर, ठीक है। एस जो है वो यहाँ पे हम इसको एज ए पैरामीटर ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, तो आप एस में आते हो तो आपको वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन में जाना है जिसमें आपको सवाल पूछा गया या जिसमें जिस डोमेन की हमें जरूरत है, तो फिर हमें इनवर्स लेना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेक द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए आपको एक तो सरल कुछ आना चाहिए, मैं किसी एक खास पॉइंट को नहीं फोकस कर सकता, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन आई डोंट थिंक के आप एक एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन की भी आप इनवर्स लैपलास ले सकते हो जी, ठीक है। सो देन मैंने कुछ स्पेशल फंक्शंस का भी लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाला था, जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन या हैवीसाइड फंक्शन। और हैवीसाइड फंक्शन जो है वो बेसिकली आपने देखा कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने वेव थ्योरी को सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसको, तो उसमें हैवीसाइड फंक्शन कितना ज़्यादा हेल्पफुल था, कितना ज़्यादा हमें उसका
बेनिफिशरी था, लाइक हम कितने ज़्यादा बेनिफिशरी थे हैवी साइड फंक्शन को अप्लाई करने के बाद। तो हैवी साइड फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये कल आपने देखा था भी, ठीक है। एंड सिमिलरली उसके बाद आपने सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे, देन सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो सेकेंड सेक्शन है फूरियर ट्रांसफॉर्म, लास्ट टाइम मैंने इस पर जस्ट डेफिनेशन लिखी थी और आपको कहा था कि एलिमेंट्री फंक्शन से आप खुद ही सॉल्व करें, तो डेफिनेटली आप खुद सॉल्व करें, लेकिन साथ साथ आज मैं भी कुछ आपको कराऊंगा, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना सिखाऊंगा। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोई बेसिक जो आ जाती हैं प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड थर्ड वन इज उसके बाद इफ वी हैव सम टाइम देन वी विल कंसिडर द सोल्यूशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जी। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं करूंगा। द रीजन इज के हमारे जो कोर्स कंटेंट है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम पीडीईज के ऊपर बात करें, नॉट ऑन ओडीईज, ठीक है। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम डील करेंगे, और एक और बात भी आ जाती है इसमें कि जब हम पीडीईज के ऊपर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करना आपको आता है, ठीक है, और वो वहां से फिर आपने इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है और अपने सोल्यूशन की तरफ जाना है जी। तो आज जो इसमें मैं थोड़ा सा आज जो हम आउटलाइन है आज के लेक्चर की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सबसे पहले हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, एंड देन हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। यानी हम कुछ फंक्शन लेंगे, उसके बाद उन फंक्शन से हम फूरियर लेंगे और फिर हम इनवर्स फूरियर भी लेना चाहेंगे और हम देखेंगे कि हम हमें कैसा वो इनवर्स हमें कैसा हम फंक्शन अपना ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म को भी और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म को भी, ठीक है। जब हम करेंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा साथ साथ, देन हम फोकस करेंगे अपने आप को प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म इफ वी हैव सम टाइम। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह ये चौथा सेक्शन को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक एग्जाम्पल है वो ये है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हेयर इट शुड बी माइनस इन्फिनिटी, सॉरी हेयर इट शुड बी माइनस इन्फिनिटी हेयर, एंड इज पीस वाइज कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, पीस वाइज कंटिन्यूस भी है फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस कब होता है नहीं पता, देखो अपनी बुक्स देखो, आप मेरे क्लास में होते तो मैं आपको फौरन कहता कि एंटन की बुक उठाओ और पहला चैप्टर खोलो, ऐसा मैं की बुक उठाओ और फर्स्ट चैप्टर खोलो, आपको उसमें पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी। और मैं नहीं बता रहा, द रीजन इज कि आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, शायद जब हम 12वें 13वें लेक्चर में थे शायद इस तरह से कुछ, डिफरेंशिएबल इन ईच फाइनाइट इंटरवल एंड इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ऑन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। यस मुझे याद है मैंने कब बताया था, जब हमने फूरियर सीरीज का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ अल्फा आर एफ ऑफ अल्फा स्मॉल एफ ऑफ अल्फा, मैं इसको इस तरह भी जाहिर कर सकता हूँ और इसको मैं इस तरह भी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, and is defined as capital F of alpha is equal to minus infinity to plus infinity F of x e raised power iota alpha x dx। ये कर्नल है जी, अब इसमें iota alpha t लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नल था वो e raised power minus st था, ठीक है। s जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर है, अब यहाँ पे अल्फा है पैरामीटर और iota साथ आपके पास हो रहा, ये दिस इज e iota alpha x। बेसिकली द ओरिजिन ऑफ दिस होल फूरियर ट्रांसफॉर्म इज द फूरियर सीरीज। अगर आप इसको ओपन करें तो ई आयोटा अल्फा एच जो है बेसिकली क्या होता है, ट्रांस ऑफ अल्फा एच प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा एच। तो ये जो आप सीरीज पढ़ के आए हुए हो ये ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड है, उसी से जनरेट किया जाए। तो क्योंकि मेरा टॉपिक फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ाना नहीं है, फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो मैं इसके जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको अपने जो मेरा ऑब्जेक्टिव है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस उनको मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के साथ डील करूंगा। सो द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज इट इज द सेम,
सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एल्फा ई रेज पावर माइनस आयोटा एल्फा एच डी एल्फा जी. इन सम बुक्स आप लिटरेचर ड्रॉप ग्रो थ्रू करो तो कुछ बुक्स में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी एक दूसरे के लिए राशि प्रोटोकॉल भी है. यानी आप प्लस यहाँ पे अगर आप प्लस आयोटा लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे माइनस लेना होगा, अगर आप यहाँ पे प्लस आयोटा लेते हो यहाँ पे फिर आपको माइनस लेना होगा. तो द इशू इज आपको ये एक दूसरे के अगेंस्ट है. तो ये आपने जस्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है. और ये देखेंगे इंटरवल फंक्शन आपको कहाँ पे डिफाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इससे पहले जो आपको फंक्शन था वो डिफाइन होता था जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है. और अगर ये आपका फंक्शन स्टिल जीरो टू इन्फिनिटी भी डिफाइन है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं. और वो कैसे होते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है. क्योंकि मेरा वो फोकस नहीं है इसलिए मैं उनको ज्यादा डिटेल से नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म को ही देखूंगा. फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको सोच लो. तो लेट्स से मेरे पास एक, मैं अपने फोरियर को इस एफ से डिनोट करता हूं और इस एफ से भी, ठीक है. और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको मैं एफ ऑफ अल्फा भी कह देता हूं, ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज पावर आयोटा एल्फा एच एंड एफ ऑफ एच डी एच, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल जी. अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिमिट एच के ऊपर अप्लाई हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट ओनली विद एल्फा. सो इसका जो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हो रहा, तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म जो हो रहा वो एफ ऑफ एच से इक्वल हो जाएगा. यानी इनवर्स ऑफ दिस थिंग, दिस गिव्स यू एफ ऑफ एच एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज फॉर माइनस आयोटा एल्फा एच एफ ऑफ एल्फा डी एल्फा, ठीक है. अब यानी एल्फा के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी और यू आर लेफ्ट ओनली विद एक्स जी. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स. ये यहां से एफ ऑफ एल्फा आ गया, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही. सिमिलरली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन जी, साइन ट्रांसफॉर्म सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू बाई पाई जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर आयोटा सॉरी क्योंकि आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है तो मैं एक्सपोनेंशियल की बजाय इंटरेक्ट साइन वाली बात लिखूंगा. तो एफ ऑफ एक्स एंड देन दिस इज फोरियर ऑफ, मैं फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना चाहता हूँ, फोरियर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स एस स्टैंड्स फॉर साइन ट्रांसफॉर्म. तो साइन एल्फा एक्स डी एक्स जी. सो दिस इज बेसिकली एफ साइन ऑफ एल्फा जी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन जी, ठीक है. एफ ऑफ एल्फा साइन एल्फा एक्स जी. और इस रिलेटेड में इनवर्स लेना चाहूं तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एल्फा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. एफ ऑफ एक्स से आ जाएगा टू बाई पाए जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एल्फा, ये एफ ऑफ एल्फा, इसको मैं एफ ऑफ एल्फा भी कह सकता हूँ, तो मैं कैपिटल एफ ऑफ एल्फा कहूँ या स्मॉल एफ ऑफ एल्फा. एंड दिस इज यहाँ पर मुझे एस डालना पड़ेगा एंड साइन एल्फा एच. और मैं किसके साथ डेरीवेट करूंगा, ऑफकोर्स एल्फा के साथ. एल्फा के साथ जब मैं करूंगा तो लिमिट एल्फा के ऊपर अप्लाई हो जाएगी एंड आई एम लेफ्ट विद ओनली एच. सो आई विल गेट एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो होगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको मैं एफ ऑफ कोसाइन ऑफ एल्फा कहूंगा. दिस इज टू बाई पाए स्क्वायर रूट ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एल्फा एक्स डी एच, ठीक है. और यहां से फिर मैं इसका इनवर्स लैपलास भी ले लूंगा, सॉरी इनवर्स फोरियर कोसाइन भी ले लूंगा और वो आएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा टू बाई पाए
जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एल्फा क्रॉस ऑफ एल्फा एच डी एल्फा जी, ठीक है। मेरा जो ज्यादा फोकस रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर जी, ठीक है। ऑफकोर्स मैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के भी एग्जाम्पल्स करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कब ये यूज होते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कब यूज होते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, लेकिन मेरा फोकस जो है वो ये चीज के ऊपर रहेगा जी, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं आपको और मैं एक बेसिक एग्जाम्पल उठाता हूं। एफ ऑफ एक्स फाइंड द एग्जाम्पल क्या है जी मेरे पास, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू। मैं इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बनेगा एफ ऑफ एक्स, दिस इज आई कैन राइट दिस इज एफ ऑफ एल्फा वन ओवर टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आयोटा एल्फा एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बाय डेफिनेशन हो गया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाय टू e रेज पावर आयोटा एल्फा एक्स e रेज पावर माइनस एक्स टेरेबल टू डी एक्स, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर एड हो, अब जस्ट मैंने ये करना है, मैंने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है यानी मेरी इंटीग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। और इसका मेरे पास और कोई हल नहीं है कि मैं आपको कहूंगी आप प्लीज गो बैक टू योर बुक्स, गो बैक टू योर प्रीवियस बुक्स और अपनी इंटीग्रेशन को स्ट्रांग करें, ठीक है। अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ये एलिमेंट्री इंटीग्रेशन नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री इंटीग्रेशन जी, सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट वन ओवर टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस कॉमन लो तो एच स्क्वायर माइनस आयोटा एल्फा एच बाई टू समथिंग लाइक दैट डी एच, टू कॉमन ले लें माइनस वन बाई टू, तो यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस आयो टू आयोटा एल्फा एच डी एच। और ये थोड़ा सा टेढ़ी किस्म की ठीक है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ई पावर माइनस के स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस इंटीग्रेशन मुझे पता है वो होती है पाई स्क्वायर रूट। कैसे पता है ये आपका आपकी डिस्कशन जो है उसमें भी मैं डालूंगा आपके लिए और बट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ जी होमवर्क, इसको कैसे डील करना है दिस इज योर जॉब, बट दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस एच स्क्वायर डी एच, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हुए मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस हाफ एच स्क्वायर माइनस टू आयोटा एल्फा एच प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर एंड डी एच, ठीक है। क्योंकि यार ये देखिए ना टू आयोटा एल्फा एच और आयोटा भी, सॉरी मैंने डालना आयोटा स्क्वायर एट आयोटा स्क्वायर जी, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा एच स्क्वायर माइनस टू आयोटा एल्फा एच प्लस आयोटा एल्फा स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस होता है तो प्लस एल्फा स्क्वायर डी एच, ठीक है। और ये मैं ब्रैकेट क्लोज करके ये क्लोज मैंने डाल दी इसके लिए, तो ये कुछ स्क्वायर बन जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस वन बाई टू एच माइनस आयोटा एल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई टू एल्फा स्क्वायर
dH, and this is equals to 1 over 2 pi minus infinity to infinity e raised to power minus half x minus iota alpha into e raised to power alpha square by 2 dH. अब जो ये अल्फा स्क्वायर ये कॉमन है, ये डिपेंडेंट ऑफ एच है, सो आई कैन टेक इट आउट, दिस इज समथिंग लाइक दैट, अल्फा स्क्वायर बाई टू आवर टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर, एंड ऑफ कोर्स दिस होल थिंग इज स्क्वायर, जो देखें स्क्वायर भी था, एंड दिस इज आयोटा अल्फा, ठीक है, माइनस एच माइनस आयोटा अल्फा होल स्क्वायर बाई टू dH. Now by taking a substitution, that is elementary integration, now मैं कर रहा हूँ just to give you confidence कि आप ये integration कर सकते हो, ठीक है? Substitution में लूँगा let x minus iota alpha over 2 square root this is equal to zg. तो यहाँ से dH by square root of 2 this is equal to dZ, value substitute करें तो this implies dH की value आ गई square root of 2 dZ, sorry, यहाँ पे value substitute करेंगे हम तो e raise power alpha square by 2 divided by 2 square root of pi, and then of course this is nothing but minus infinity to infinity e raise to the power minus z square स्टेयर रूट ऑफ टू डी जी जी, तो ये आ गया मेरे पास स्टेयर रूट ऑफ टू इसके साथ होल स्टेयर रूट था, यहाँ पे पाई भी था टाइम पे, यस हियर इज पाई, सो स्टेयर रूट ऑफ टू स्टेयर रूट ऑफ टू से कैंसिल हो जाएगा, ई रेज पावर अल्फा स्टेयर बाई टू अवर स्टेयर रूट ऑफ पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस जी स्टेयर डी जी जी, एंड दिस होल थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू अंडरस्कोर पाई जी, जो मैंने भी आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, सो दिस इज ई रेज पावर अल्फा स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई डॉट स्क्वायर रूट ऑफ पाई, कैंसिल आउट हो रहे तो आई एम लेफ्ट ओनली विद ई स्क्वायर ऑफ अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज द फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका फोरियर था जी, ई रेज पावर माइनस एट स्क्वायर ऑफ 2 के जी e raised to the power minus h square over 2. I think I missed one thing, जो मैं शायद ये प्लस था, तो जब मैंने ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये बल्कि स्टेप पीछे जाता हूँ, लुक दिस इज द होल ब्रैकेट एंड दिस माइनस इज हेयर, तो जब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज माइनस हेयर, दिस इज माइनस हेयर, दिस इज माइनस हेयर, दिस इज माइनस हेयर, ठीक है, एंड सो दिस इज माइनस हेयर, मुझे कैसे पता चला अपनी मिस्टेक का, बेसिकली ये पता है कि एक्सपोनेंशियल पावर ई रेज पावर माइनस एच स्क्वायर जो है वो इक्वल टू ई रेज पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होती है, तो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस आपको बताती है कि हाउ गुड यू आर एंड हाउ गुड यू आर, द वन थिंग इज दिस, दूसरा आप कितनी जल्दी पिक कर लेते हो उसको, हाउ क्विक यू आर, आप कितने क्विक हैं इसमें, ठीक है, तो ये आप, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन वो अच्छी एग्जांपल है और मैं उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, बेसिकली ये एग्जांपल आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं भी आपको होमवर्क या जो असाइनमेंट्स या जो क्विज़ वगैरह दे रहा हूँ या जो भी प्रॉब्लम शीट आ रही है आपके पास, तो आप एटलीस्ट स्ट्रगल हो जाओ कि आप खुद से उसको सॉल्व कर सको, ठीक है, यानी आपने साथ साथ लेके चलना है उसको, लेक्चर सामने होंगे, लेक्चर नोट सामने होंगे, हैंडआउट सामने होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई ऐसी डिफिकल्टी होनी चाहिए आपको, ठीक है, सो आई हैव टू सॉल्व दिस, आई हैव टू चेक द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ई रेज़ टू द पावर माइनस ए एक्स, अब जब मैंने इसको कैलकुलेट करना है तो मेरे पास ये आ गया, मैं इसको कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो एक्स मार्ट की बारी आती है ना, एक्स मार्ट मेरे पास एच होता है व्हेन एच इज पॉजिटिव एंड दिस इज माइनस एच व्हेन एच इज
नेगेटिव, ठीक है ना, एक पॉजिटिव होता है जब एक्स होता है, जब नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स होता है। अब जब इस लाप्लास इसका फोरियर फाइंड आउट करूंगा ई एस बार माइनस से, तो बाय डेफिनेशन क्या ट्रैक करूंगा मैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई एस बार माइनस एस टी ई एस बार माइनस से स्क्वायर रूट ऑफ ए डी एक्स। सो दिस शुड बी एस, मैंने लाप्लास साइन में आ रहा है, ई प्लस आयोटा एस एक्स यस एंड ई एस बार माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स जे, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो ऑफकोर्स जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, मॉडल्स तोड़ूंगा, तो मेरे जहन में ये प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, कि इसको मैं किस तरह से देखता हूँ। ये आ गया मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई रेज पावर आयोटा एस एक्स ई रेज पावर माइनस, और माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के लिए ये माइनस एक्स होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पावर आयोटा एस एक्स ई रेज टू द पावर। देखिए अब ये इस इंटरवल के लिए जीरो टू इन्फिनिटी के लिए ये चीज आ जाएगी, ये एक्स है जी माइनस ए एक्स डी एक्स जी। तो मैं अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई आयोटा एस एक्स, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता, मैं अगली स्लाइड पे लिखना चाहता हूँ इसको, ताकि मुझे बार बार इस स्लाइड पे ना आना पड़े, लेकिन ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसको लेके चलता हूँ और इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ या इसको कॉमन ले लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स आई मिस वन मोर थिंग जी, वन ओवर टू पाई, यस ये इंपॉर्टेंट है जी, आज पता नहीं क्यों गलतियाँ हो रही है, लेकिन आप इसको देखें वन ओवर टू पाए स्क्वायर रूट, वन ओवर टू पाए स्क्वायर रूट, वन ओवर टू पाए स्क्वायर रूट एंड दिस इज वन ओवर टू पाए, सो दिस इज वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई रेज टू द पावर आयोटा एल्फा एक्स प्लस ए एक्स डी एक्स। लुक एट दिस, मैं इसको इसके साथ जोड़ रहा हूँ जी, और वाई आई एम राइटिंग एस, एक्चुअली मैं पता नहीं क्यों मेरे जहन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ठीक है, दिस इज अल्फा, प्लीज इसको डिस्टिंग्विश रखें, इसको अलग अलग रखें, दिस इज अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज अल्फा ऑफ एक्स, सो प्लस वन ओवर टू पाए जीरो टू इन्फिनिटी e रेस पावर आयोटा एल्फा एक्स माइनस ए एक्स डी एक्स एंड दिस इज वन ओवर टू पाए ई रेस टू दी पावर। देखे चले मैं इसको एक स्टेप और कर लेता हूं, एक्स कॉमन लें तो आयोटा एल्फा प्लस ए इंटू एक्स डी एक्स प्लस वन ओवर टू पाए ई रेस पावर आयोटा एल्फा माइनस ए इंटू एक्स डी एक्स। अच्छा वन ओवर टू पाए में अगर कॉमन लेते इसका मैं इंटीग्रल लेता हूँ, ई रेस पावर आयोटा एल्फा प्लस ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आयोटा एल्फा प्लस ए माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस वन बाई टू स्क्वायर रूट पाए बार लिए हुए मैंने ई रेस टू द पावर आयोटा एल्फा माइनस ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आयोटा एल्फा माइनस ए जी और जीरो टू इन्फिनिटी जी। और अगर मेरा अब मैं जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो जब मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मेरे पास वन आ जाए वन ओवर आयोटा एल्फा प्लस से माइनस सब्स्टिट्यूट करूंगा तो टर्म जीरो हो जाएगी ई रेस पावर, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो माइनस सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो जीरो हो जाएंगे जी, ठीक है प्लस। अब मैं अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है, आयोटा एल्फा माइनस है मतलब ये तो पॉजिटिव है सारा होल, तो फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये यानी दूसरे लफ्जों में ये कब नेगेटिव हो रहा, ये कब जीरो हो रहा, जब ये टर्म जो है वो नेगेटिव हो रही, तो नेगेटिव कब हो रही, जब ए इज आयोटा एल्फा माइनस ए इज लेस देन जीरो, ठीक है।
और जीरो का मतलब जीरो प्लस आयोटा जीरो, इससे लेस होगा. तो दैट्स वाई अंडर दिस कंडीशन फर्स्ट टर्म जीरो और ये तो माइनस इंटू वन आवर आयोटा अल्फा माइनस ए जी, ठीक है जी. और वन आवर टू पाई मेरे पास आ गया, वन आवर आयोटा अल्फा प्लस ए माइनस, प्लस कर लेता हूं मैं इसको, प्लस वन आवर ए माइनस आयोटा अल्फा जी. तो इसका मैं एलसीएम लेता हूं, वन आवर टू पाई ए माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. तो आयोटा अल्फा प्लस ए, तो ये ए माइनस आयोटा अल्फा आ गया प्लस ए प्लस आयोटा अल्फा आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे. तो आई एम लेफ्ट ओनली विद टू ए जी, ठीक है. तो टू नीचे मौजूद है, तो ये टू आवर पाए स्क्वायर रूट और इंटू ए आवर ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर फाइनल आंसर. तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैपलास ट्रांसफॉर्म में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट एक लिमिट का फर्क है. और इंटीग्रेशन तो उसी तरह करनी है, मतलब इंटीग्रेशन से कोई मफर नहीं है ना कि हमें कौन इंटीग्रेशन आप छोड़ दो. जैसा भी है कहीं ना कहीं अभी आप देखो डेट आज इंटीग्रेशन मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी. अभी हैंकेल ट्रांसफॉर्म रहता है, शायद उसमें डबल इंटीग्रेशन भी हो, उसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो अब इशू ये है कि जब हम ये बातें कर रहे होते हैं तो मैं क्यों आपको बार बार इस पर फोकस करता हूँ कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है. अगर आपने पी डी को करना है तो इंटीग्रेशन में आप स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर कोई इशू नहीं है. स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को हमने डिफरेंट एलिमेंट्री फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया और सक्सेसफुली हमने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ऑब्टेन की. लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के ऊपर भी, कि वो भी कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है. दे आर नॉट सो डिफिकल्ट, वी कैन अप्लाई देम एनी वेयर वेयर वी हैव अ हाफ प्लेट और वी हैव अ हाफ डोमेन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. जैसे आपने उनकी डेफिनेशन देखी थी कि वो जीरो टू इन्फिनिटी के लिए था, नॉट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए. तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो जी. मैं यहाँ पे और फंक्शन लेता हूँ जिससे आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई करेंगे कि उस रोड कैसे लेते. लेट्स से वी हैव ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दिस इज जीरो when h is less than a, this is h when h is between a and b, and zero when h is greater than b. तो जब मैं by definition इसके मैं example यहाँ पे लिख लूँ ताकि इसको आप पिछले के साथ उसे continuity ना समझें. Fourier transform of f of x is equal to ऑफ कोर्स ये एफ ऑफ अल्फा बन जाएगा, इसलिए मैंने इस एफ को इस एफ से डिफरेंट रखा है, ठीक है. एफ ऑफ अल्फा एंड एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई. नाउ अब मैं साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने जा रहा हूँ, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. तो इसकी आपको पता ही है कि वो क्या होता है, वो होता है टू बाई पाए स्क्वायर रूट जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स e raised power iota alpha x dx. Of course, this is for Fourier transform, but I am here in sine transform, so I must say here sine alpha x. ठीक है, चले ये मैंने इसको लिखा था ताकि आपको मैं बताता चलूं कि e iota alpha की बजाय हम sine alpha x यहाँ लिखेंगे sine transformation में. So इसको मैं नीट करके लिखूं तो 2 over pi 0 to infinity f of alpha x साइन अल्फा x dx. और अब फंक्शन मेरा ब्रेक है a b और c, ये इंटरवल कुछ इस तरह के बनेंगे माइनस इन्फिनिटी टू a और फिर a टू नो ओपन a टू b एंड देन फिर b टू इन्फिनिटी, ठीक है. ये कुछ इस तरह जो मेरे पास ओपन इंटरवल बन रहे हैं जिसमें a और तीन इंटरवल बन रहे हैं जिसमें माइनस इन्फिनिटी को और प्लस इन्फिनिटी को ब्रेक कर लेता हूँ ए बी, ये इंटरवल बन गया, एक ये इंटरवल बन गया और एक ये इंटरवल बन गया. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू बाई पाए जीरो टू ए, ऑफकोर्स नाउ आई हैव जीरो ऑन द लेफ्ट साइड सो इट शुड बी नॉट इन माइनस इन्फिनिटी, शुड बी जीरो. जीरो टू इन्फिनिटी जी, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स प्लस
टू बाई पाए ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स प्लस क्या हो रहा जी प्लस बी टू इन्फिनिटी टू बाई पाए एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स एंड ऑफकोर्स दिस टर्म गोज टू जीरो इस इंटरवल के लिए बी टू इन्फिनिटी के लिए मेरा फंक्शन की वैल्यू जीरो है और जीरो टू ए के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू जीरो है सो दिस गोज टू जीरो एज वेल एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद स्क्वायर रूट ऑफ टू बाई पाए ए टू बी एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स और इस इंटरवल को सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ के लिए ठीक है ना सो प्लीज इसको इस तरह के इंटरवल्स आपके पास आएंगे तो ये कैसे आपको इसको बाई पार्ट से साथ सॉल्व करोगे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टू ओवर पाए जीरो टू इन्फिनिटी एक्स साइन अल्फा एक्स डी एक्स सो दिस इज नथिंग बट टू बाई पाए एक्स साइन का इंटरवल क्या होता है जी कॉस ऑफ अल्फा एक्स ओवर अल्फा ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस साइन हो रहा और ए टू बी हो रहा ये मैंने बड़ी मुश्किल से इस लिमिट तक पहुंचा था फिर मैंने जीरो टू इन्फिनिटी ले लिया ए टू बी हो रहा जी ठीक है माइनस ए टू बी माइनस कॉस अल्फा एक्स ओवर अल्फा और एक्स का डेरिवेटिव वन डी एक्स जी तो टू बाई पाए ये आ गया मेरे पास आप अपर लिमिट बी माइनस बी क्रॉस ऑफ बी अल्फा प्लस अपर लिमिट ये माइनस साइन लोअर लिमिट वाले माइनस को पॉजिटिव कर देगा प्लस ए क्रॉस ए अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस इनटू माइनस प्लस ए टू बी क्रॉस अल्फा एक्स डी एक्स ठीक है तो टू बाई पाए इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस ए अल्फा माइनस बी क्रॉस बी अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस ऑफकोर्स ये अल्फा मैंने यहाँ पे मिस किया तो वन ओवर अल्फा इंटू साइन अल्फा एक्स बाई अल्फा ए टू बी लिमिट सब्सिट्यूट करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है आप किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन को किसी भी फंक्शन की जब आप फोरियर लोगे क्वेश्चन कहाँ पे आता है क्वेश्चन सिर्फ आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर आता है और अभी मैं बहुत मुश्किल टाइप की इंटीग्रेशन नहीं करा रहा आपको ठीक है जिसमें कम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व हो जिसमें पोल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें आप बहुत डीपली आप उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है डबल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है ट्रिपल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो मैं उस तरह के फंक्शन में उस तरह की चीज़ों में डील नहीं कर रहा क्योंकि ये आपका एलिमेंट्री कोर्स है इंशाल्लाह जब आप एमफिल में आएंगे देन आपको आइडिया हो रहा कि ये चीज़ में पढ़नी जरूरी थी अल्फा बी माइनस साइन अल्फा ए जी ठीक है जी सो दिस इज योर फाइनल आंसर सो एज एन अदर एग्जाम्पल आई विल लाइक टू डिस्कस this particular problem that if we have a function f of x is something like that 1 0 when 1 is when x is less than or equal to a x mod is less than or equal to a and x mod is greater than a ठीक है जी ये फंक्शन है अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा सबसे पहले तो आपने इसको ब्रेक करना है इन द सेंस कैसे ब्रेक करेंगे आप इसको जब आप इसको लिखेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ लेट्स से अल्फा पैरामीटर है तो वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स सो स्टूडेंट्स अब ये एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू ए के लिए ये वन है जिसका मतलब ये है माइनस ए लेस देन एक्स ग्रेटर देन ए इस इंटरवल के लिए वो उसका आंसर वन है और इससे छोटे इंटरवल से बड़े इंटरवल उसका आंसर जीरो है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन ओवर टू पाई स्क्वायर रूट
माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस ए, लुक माइनस ए तक ब्रेक करूंगा, एफ ऑफ एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स प्लस वन ओवर टू पाए माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स प्लस वन ओवर टू पाए माइनस ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स जी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो मुझे कह रहे थे वो जीरो है जब एक्स मार ग्रेटर देन ए, इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन माइनस ए जी। एक्स मार ऑफ ग्रेटर देन ए का मतलब ये है जी। ठीक है, तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस टर्म वन ओवर टू पाए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए टू ए वन e रेज पावर आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स, और इसको भी मैंने सॉल्व करना है। सॉल्व करें मेरे साथ, तो आप इसको जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन ओवर टू पाए व्हाट इज दिस जी, ये कैसे इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा मेरे पास e आयोटा अल्फा एक्स डी एक्स एंड दिस इज नथिंग बट e आयोटा अल्फा एक्स अवर आयोटा अल्फा माइनस ए टू ए जी। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ई रेज पावर आयोटा अल्फा ए माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा ए डिवाइडेड बाय आयोटा अल्फा जी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस, ये आपका अगर आप होर करो तो ये एक साइन का फंक्शन नहीं बनता जा रहा। अगर मैं ए भी ए के साथ इसको देखो तो साइन ई आयोटा एक्स माइनस ई माइनस आयोटा एक्स आवर टू आयोटा दिस इज आई थिंक दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे इसको ओपन करें, ये क्या बनता है कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और माइनस एक्स यहां पे माइनस हो रहा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स जी। सो दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स, कॉस में से माइनस खत्म हो जाएगा ओमिट कर जाएगा, सो दिस इज कॉस ऑफ एक्स और माइनस बाय राइटर ये माइनस ये प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स आ गया जी। और ये देखें डिवाइड बाय टू हो रहे जी, टू आयोटा ये होल थिंग डिवाइडेड बाय टू आयोटा। सो आप अगर ये चीज कैंसिल हो जाएगी तो दिस थिंग इज equals to 2 iota sin x over 2 iota and this is equal to sin x। ठीक है, तो ये इससे इक्वल आ गया iota x is equal to this thing। तो अब अगर a को मैं एच सी जगह पे रखू तो ये मेरे पास क्या बनता जा रहा है जी, 1 over 2 pi। तो मुझे यहां पे सबसे पहले यहां पे 2 चाहिए बेसिकली, तो 2 यहां पे लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो दिस इज इक्वल टू दिस, और ऑफ कोर्स अल्फा यहां पे फालतू है तो इसको मैं साइड पे लिख लेता हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाता हूं तो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर 2 पाई और अल्फा आ गया मेरे पास एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा ए आयोटा अल्फा ए माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा ए डिवाइडेड बाय आयोटा अल्फा डी। ठीक है, ये स्टेट को ला गया अल्फा मैंने बाय ले लिया तो दिस इज टू आयोटा, टू से मैंने मल्टीप्लाई भी डिवाइड किया था तो दिस इज इक्वल्स टू दिस थिंग जी। और अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास अल्फा फॉर टू अल्फा के लिए, देखें अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके लिए मुझे मिल जाएगा जो टोटल फंक्शन है मेरा इफ दिस इज एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू टू साइन अल्फा ए जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई, ये आ गया अगर मेरा अल्फा ग्रेटर देन जीरो है जी। ठीक है, और इफ माई अल्फा इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, अगर मेरा अल्फा एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है तो देखें लुक एट दिस, अगर मैं अल्फा जीरो लूं तो यहां पे अल्फा जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये साइन अल्फा अल्फा ए और यहां पे ए है तो
मुझे एक फार्मूला आता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, इस रूल की मदद से मैं इसको, क्योंकि मैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे पास, मैं अल्फा के ऊपर क्यों फोर्स कर रहा हूँ कि अल्फा ग्रेटर देन जीरो के लिए भी देख रहा हूँ या नॉट इक्वल टू जीरो के लिए और अल्फा इज इक्वल टू जीरो के लिए भी देख रहा हूँ। तो द रीजन इज अल्फा तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर है, तो इसी में हर वैल्यू के लिए मैं ऑब्जर्वेशन मेरे पास होनी चाहिए। तो जब मैं इसको देखता हूँ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ऑफकोर्स मैं डायरेक्ट ये क्या है, ये आ जाएगा मेरे पास टू साइन अल्फा ए ओवर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई। तो जब मैं लिमिट लूंगा अल्फा अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां पे आप ऑर्डर होल्ड करो तो ऊपर अल्फा ए है और नीचे ए है, तो मैं ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये समथिंग लाइक दैट, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा टू साइन अल्फा ए ओवर अल्फा इंटू टू पाई एंड व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, एंड जब लिमिट अप्रोच करो जीरो की तरफ तो साइन अल्फा ए ओवर अल्फा ये जो चीज है ये आपको वन मिल जाएगा और इस लिमिट के साथ, तो यू आर लेफ्ट ओनली विद टू ए ओवर टू पाई स्क्वायर रूट जी व्हेन अल्फा इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो जी। ठीक है, मैं अल्फा की हर दो वैल्यूज लिए इसको मैं चेक करूंगा। ये असल में ये एग्जाम्पल ट्राने का मेरा बुनियादी मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा इसका भी मैं आपको आइडिया दूं कि हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। जब आपका अल्फा जीरो हो रहा तो ऑफकोर्स यहाँ में फिर लिमिट आप ले लोगे, तो लिमिट आपके पास ये फार्मूला है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे फिर मैं इसको साइन अल्फा ए है तो यहाँ पे सिंपल ए था, तो मैं ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे ए अल्फा बनाऊंगा ताकि सेम चीज आए और वो इक्वल टू वन जी। तो दिस इज माई एफ अल्फा जी। ठीक है, सो अब बेसिकली मैंने इस मदद से एनहेंस एवेल्युएट, मैंने इसी मदद से जो यहां पे मैंने सवाल अधूरा लिखा था, जैसे ये क्वेश्चन लिया था दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, और इस वजह से फिर आपने निकालना है व्हाट इज ऑल द वैल्यूज ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन अल्फा ए कॉस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा डी अल्फा, इसी क्या वैल्यूज हैं, और जीरो टू इन्फिनिटी साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा डी अल्फा, इनकी क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज अब मैं निकालूंगा। अगर मैं इस फंक्शन का, ये जो मैंने अभी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी अपने फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन की, इस समय लैप्लास इनवर्स लेता हूं, ठीक है, लैप्लास इनवर्स फंक्शन लेता हूं तो फिर मेरे पास फोरियर इनवर्स लेता हूं तो फिर मेरे पास आई विल बी इन पोजिशन टू ऑब्टेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं जो ये देखते हैं डी अल्फा के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, यहां में भी डी अल्फा के साथ कर रहा है, तो कब हो रहा है जब मैं इस फंक्शन को करूंगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा। आई हैव दिस थिंग, आई विल राइट एफ ऑफ अल्फा हियर अगेन, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा टू पाए एंड टू ए ओवर टू पाए व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फा इज वर माइनस आयोटा अल्फा एक्स डी अल्फा। नाउ बाय एफ ऑफ अल्फा इज दिस थिंग। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से कि इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लूँ, और आई डोंट थिंक मुझे इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये अगेन दो फॉर्म में लिखा जाएगा। अब मैं फॉर ऑल अल्फा कर रहा हूँ, फॉर ऑल अल्फा, जब मैं फॉर ऑल अल्फा की बात करता हूँ मैं इन दोनों को डील कर रहा हूँ एक साथ ही, लेकिन बट आई नो दैट एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट
10 एंड एक्स मॉड एक्स ओवर दिस थिंग जी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूं रहा सिंस एफ ऑफ एक्स इज दिस थिंग 10 व्हेन एक्स इज एक्स मॉड इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू ए एंड एक्स मॉड इज ग्रेटर देन ए। सो इसका मतलब है कि अगर इनकी इस सिचुएशन लेट्स से सिचुएशन नंबर वन है और इस इक्वेशन नंबर टू है तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन एंड टू आर इक्वल सो द राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन इज इक्वेशन वन एंड द राइट एंड इक्वेशन वन एंड द इक्वेशन टू आर इक्वल सो In the left hand side of equation 1 and equation 2 are equal, so the right hand side is equal to G, so is right hand side G, okay? So 1 over 2 pi square root minus infinity to plus infinity f of alpha e raised to the power minus iota alpha h d alpha, this is equals to 10 when h mod is less than or equal to a, when h mod is डायरेक्टर देने जी, ये मेरे पास आ गया इसका फाइनल आंसर जी, ठीक है। बट आई इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स देन आई एम इन द पोजिशन टू ऑब्टेन द फाइनल आंसर विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मी। आपने इन दोनों का भी आंसर बताना है। असल में मैं ये दोनों इंटीग्रल क्यों फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, इसलिए इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज मुझे बार बार आ गए जब मैं अपने पीडीईज को यूज करूंगा तो इस तरह के इंटीग्रल्स मेरे पास आएंगे, तो मुझे इस तरह के इंटीग्रल्स की वैल्यूज चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर द वैल्यूज ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। और इससे फिर आपको थोड़ा सा ये आइडिया भी मिल रहा है टू हाउ टू डील विद द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एट द सेम साइड जी, ठीक है। तो अब इसको जब मैं इसको देखता हूं तो ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा की बजाय इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दिस इज इक्वल्स टू और इसी जस्ट एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और नो आई एम डेटिंग फॉर अल्फा ग्रेटर देन जीरो, तो मैं ये चीज लेता हूँ तो 1/2 स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 sin अल्फा एच ओवर अल्फा 2π ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा एच डी अल्फा is equal to 10 when h mod is less than equal to a and h mod is greater than a, ठीक है। जब आपके पास ये आ गया तो अब आप यहां से इसकी वैल्यूज जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसको बायर मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 1/2 सो दिस बिकम्स समथिंग लाइक दैट। देखें आप ये 2 जो है इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को खत्म कर दे रहा, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद 1/π अल्फा जी, ठीक है। अल्फा को मैं अंदर ही रहने देता हूं तो 1/√π बाहर ले लेता हूं जी, ठीक है। तो 1/π बाहर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर आयोटा अल्फा एच माइनस साइन अल्फा ए ओवर अल्फा जी, ठीक है, डी अल्फा and of course this is not equal is here 10 and something like that when h mod is less than equal to a when h mod is greater than a, ठीक है जी। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करूंगा तो 1/π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cos अल्फा h प्लस आयोटा साइन अल्फा एच जी, और ये माइनस साइन आएगा तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, दिस इज साइन अल्फा ए ओवर अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू 10 एच मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए एच मॉड इज ग्रेटर देन ए, ठीक है जी। और इसको फिर मैं लिख सकता हूँ इजीली पाई रूट में उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cos अल्फा एच माइनस आयोटा साइन अल्फा एच इंटू साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाई अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू पाई जीरो, पाई को मल्टीप्लाई कर दिया ना
तो एच मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए एंड एच मॉड इज ग्रेटर देन ए। सो यहां पे ये रियल वैल्यू है मेरे पास, यहां पे में सी रियल और यहां पे इसको मैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज ऑन द बोथ साइड्स, तो यहां से जो रियल वैल्यू मिलेगी वो हो रही है माइनस इनफिनिटी अल्फा क्रॉस अल्फा एट्स साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि दूसरी वैल्यूज जीरो, इनमें जस्ट पाई रखता हूँ फॉर एट्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू, वैसी बात करता हूँ ठीक है। और इसको फिर मैं सो दिस इज माई आंसर फाइनल आंसर ठीक है, और अगर इसको मैं इस शेप में रखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई जीरो एंड एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए एंड एक्स मॉड इज ग्रेटर देन ए ठीक है। अब ये जब मेरे पास आ गया तो मैं इसका आंसर जो है, ये मेरे पास सेकंड इंटीग्रल था जिसको मैंने इवेलुएट करना था साइन अल्फा ए ओवर अल्फा डी अल्फा जीरो टू इन्फिनिटी, इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा ठीक है, इसी क्या वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स जब मैं एक्स को जीरो सब्सिट्यूट करता हूं सेट इन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये नीचे वाली टर्म मेरी नहीं रहेगी, सिर्फ ये टर्म रहेगी ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस जीरो वन साइन अल्फा ए ओवर अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू पाए, सो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ आई शुड पुट सम इंट हियर, सो दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन अल्फा ए ओवर अल्फा डी अल्फा दिस इज इक्वल टू पाए, और अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ जीरो टू इन्फिनिटी के लिए तो मुझे टू आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा ए ओवर अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू पाए एंड जीरो टू अल्फा साइन अल्फा ए ओवर अल्फा डी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। ये दो इंटीग्रल्स आपके बार बार यूज होने थे इसलिए मैंने इस एग्जांपल को किया, ताकि इन फ्यूचर जब आप इसको यूज करें तो आपको मैं ये ना टोल रही आप खुद ही टोल रही, तो मैंने आपको ये करके दे दिया। अभी तक हमने सब फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, अभी तक हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ लिए ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल में मैं इंशाल्लाह इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाना चाहूंगा ठीक है। सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ठीक है, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इफ एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख देता हूं, इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज If the Fourier transform of f of x is alpha over 1 plus alpha square, then find f of x. Yani aapko capital f of alpha diya hua hai. This is your capital f of alpha. Okay, this is given, and now you have to extract f of x. तो उसका जो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल माइनस आयोटा अल्फा एक्स डी अल्फा डी ठीक है। अब इनवर्स में माइनस यूज करता हूं मैं, अगर मैं यहां पे प्लस यूज करूं तो फिर मुझे ओरिजिनल फंक्शन के लिए माइनस यूज करना है, तो ये एक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको इसी तरह से लिया जाता है, लिटरेचर जितना ऑलमोस्ट पढ़ा गया वो उसमें ज्यादातर ये इसको माइनस लेते हैं इनवर्स वाले को ठीक है। सो अब एफ ऑफ अल्फा गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अल्फा क्या था जी अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा स्क्वायर ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा एच डी एच दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट इंटीग्रल, इस तरह के इंटीग्रल को कैसे डील करना है ठीक है। ये किसी चीज का डायरेक्ट इंटीग्रल भी नहीं है, तीन फंक्शन है, ये अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा स्क्वायर बन रहा है और ये ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स है, तो इसको मैं कैसे डील करूंगा। द ओनली वन थिंग
मैं कुछ इसके ऊपर अपने स्किल्स यूज करूंगा और स्किल्स कैसे डिवेलप होंगी या मेरी प्रैक्टिस होगी. व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन आई कैन पुट सम स्किल्स हियर. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू इंटीग्रेट दिस काइंड ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड. तो ये आ रही है. तो आप देखें मैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ तो समथिंग लाइक दैट अल्फा स्क्वायर ऑफ अल्फा इनटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर इज और माइनस आयोटा अल्फा एच डी एक्स माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर में वन ऐड कर दूँ और ये अल्फा इनटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर आयोटा अल्फा एच डी एक्स. और अगर ये मेरे पास इसको मैं अलग अलग लिख लूँ देखिए दो टर्म्स बन गई अल्फा स्क्वायर प्लस वन इंटू ई माइनस आयोटा अल्फा एच डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी एच. ऑफकोर्स दिस इज डी अल्फा भी नॉट डी एच. मैं भी रोमे फोर ईयर इनवर्स में जा रहा हूँ तो ये कैसे आ गया. ठीक है एंड देन दिस माइनस साइन कम्स हेयर वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज आवर माइनस आयोटा अल्फा एक्स आवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा जी. तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद वन ओवर टू पाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज आवर माइनस आयोटा अल्फा एक्स आवर अल्फा डी अल्फा माइनस वन ओवर टू पाए माइनस अल्फा टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज आवर माइनस आयोटा अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा जी. ठीक है जी ये मेरे पास आंसर आ गया. इफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस थिंग देन फाइंड एफ ऑफ एक्स जी. सो बेसिकली अब मुझे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे इस पे अप्लाई करना है. ठीक है तो एफ ऑफ एक्स जो हो रहा वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है टू और बाय जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फा साइन अल्फा एक्स डी अल्फा जी. ठीक है सो अब जब ये चीज आ रही है आपके पास टू ओवर पाए एफ ऑफ अल्फा गिवन है अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डी अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू ओवर पाए स्क्वायर रूट जीरो टू इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डी एक्स. देखिए अब ये टेक्निकलिटीज सिर्फ वही बंदा डील कर सकता है जिसने इंटीग्रेशन जो ऊपर ड्रिप हो रही. अब मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं किसी भी तरह से साइन अल्फा एक्स ओवर अल्फा को सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैंने साइन अल्फा एक्स ओवर अल्फा के बारे में पढ़ा है कि दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय टू. मतलब अगर जीरो टू इन्फिनिटी है और डी अल्फा है दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू. जस्ट पिछली एग्जाम्पल में मैंने इसको प्रूव किया है. तो जब मैंने इस तरह से देखा तो फिर मुझे ये चीज बनानी है और टू बाई पाए जीरो टू इन्फिनिटी देर आर ऑल्सो अदर मैथड्स यू कैन अप्लाई एनी वन अल्फा स्क्वायर प्लस वन माइनस वन और अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एच डी एच एंड दिस इज नथिंग बट टू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस वन और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस वन साइन अल्फा एच डी एच और माइनस टू बाई पाए जीरो टू अल्फा जीरो टू अल्फा सॉरी दिस इज साइन अल्फा एच अवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा. ठीक है तो अब ये चीज कैंसिल आउट हो रही एंड आई एम लेफ्ट ओनली विद टू ओवर पाए जीरो टू इन्फिनिटी साइन अल्फा एच अवर अल्फा डी अल्फा. दिस इज डी अल्फा. आई डोंट नो ये डी अल्फा डी एच में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. सो डी अल्फा जी. सो डी अल्फा माइनस इसको मैं एज इट इज रखता हूं अभी फिलहाल जीरो टू इन्फिनिटी साइन अल्फा एक्स अवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर
डी अल्फा जी दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। जस्ट लास्ट एग्जाम्पल में मैंने इसको, अब स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल इतना फोकस क्यों किया था। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वट इज दिस, रिमूव दिस होल थिंग, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू बाई पाए स्क्वायर रूट इंटू पाए बाई टू माइनस जीरो टू इन्फिनिटी, ऑफकोर्स टू बाई पाए साथ आएगा, और साइन अल्फा एट सवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा। अब मुझे अगेन वो चीज चाहिए किसी भी तरह से, लुक ये देखिए आपके पास अल्फा स्क्वायर ये चीज आ गई, तो माइनस वन ओवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर। सो अब बेसिकली मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको इशू, ये इशू एड्रेस करना है मुझे, ठीक है। साइन अल्फा एट सवर अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अब इसका एक ही हल है मेरे पास, मैं इसको किसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूँ। देखें मेरे पास साइन अल्फा एक्स है, ये डेरिवेट लूंगा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कॉस अल्फा एक्स इंटू अल्फा बनेगा, और फिर डेरिवेटिव लूंगा तो वो साइन बन जाएगा, तो ये समथिंग लाइक दैट, ये टू मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स इसका डी एफ बाई डी एक्स लेंगे, तो दिस होल थिंग इज जीरो माइनस टू बाई पाए, देखिए वन ओवर ये चीज मेरी एज इट इज चलेगी, वन ओवर अल्फा इंटू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और साइन एंड डेरिवेटिव कॉस होता है अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा एक्स डी अल्फा डी, और ये अल्फा इस अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो गया, दिस इज माइनस टू ओवर पाए दिस थिंग जी जीरो टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ अल्फा एक्स ओवर वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा डी। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूं, दिस इज डी टू एफ ऑफ डी एच स्क्वायर, ऑफ कोर्स ये सिंगल डेरिवेटिव था, तो माइनस टू बाई पाए जीरो टू इन्फिनिटी क्रॉस डेरिवेटिव तो माइनस अल्फा साइन ऑफ अल्फा एच अवर वन प्लस अल्फा स्क्वायर डी अल्फा डी। लुक माइनस इस सॉल्व होके ये मेरे पास आ गया जीरो टू इन्फिनिटी अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एच डी अल्फा डी। अगर मैं आपको वापस ले चलूं तो ये जो चीज है ये आपकी एफ ऑफ एक्स तो नहीं बना रही, ये वाली चीज एग्जैक्टली वो चीज मेरे पास दोबारा आ गई, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स, सो एक्स डी टू एफ बाई डी एच स्क्वायर, ठीक है, और ये डी टू ओके इसको मैं इस तरह नहीं करूंगा, यहां से थोड़ा सा काटना है यार समझ नहीं है, ओके ये आ गया मेरे पास डी टू, इसको इक्वेशन टू है, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर वन कह दूं तो मैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम वन, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, so I am left only with d 2f by d x square minus f of x, this is equals to इसकी वैल्यू क्या थी जी 2 by pi square root 0 to alpha 0 to infinity 2 by pi square root 0 to infinity alpha साइन अल्फा एक्स ओवर वन प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस, इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट पाई बाई टू, दिस इज स्क्वायर रूट पाई बाई टू एंड दिस इज प्लस टू बाई पाई जीरो टू इन्फिनिटी साइन अल्फा एक्स डी अल्फा ओवर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस वन जी। सो स्टूडेंट्स आप देखो कि ये मेरे पास ये इंटीग्रल था, ये इस तरह से साल होता जा रहा है, और
इस पर मैं साइड पे लिख लेता हूँ जो कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ से मैं 2 बाई पाई कॉमन ले लूँ, 0 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लूँ, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू साइन अल्फा एक्स ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ऑफकोर्स प्लस आ जाएगा फिर साइन अल्फा एक्स ओवर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डी अल्फा, ये आ रही मेरे पास टर्म। तो माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 बाई पाई, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन अल्फा एक्स डी अल्फा बन जाता है, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 बाई पाई, तो ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल हो गया तो साइन अल्फा एक्स बाई अल्फा अगेन आ गया मेरे पास। तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन आप मुझे आती है जो है पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और ये कैंसिल हो रही, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, ये इक्वल्स टू 0 आ गई, ठीक है। अब यहां से मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है मैं वो एटसेट्रा सकता हूँ, जस्ट इस सिचुएशन को सॉल्व करना है और मेरे पास इस जो एग्जैक्ट मेरे पास एफ ऑफ एक्स है वो इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है, यू नो दैट डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू वाली प्लस माइनस 1, तो चले मैंने सॉल्व इट कर दिया, एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा, ई रेज पावर एक्स प्लस ए ई रेज पावर एक्स प्लस बी ई रेज पावर माइनस एक्स, समथिंग लाइक दैट, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। इस चीज के फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपने फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप किस तरह से उसका इनवर्स लेते हो। आज इसके बाद मेरा दिल था कि मैं आपको डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टीज पढ़ाऊँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आपके लिए इतना काफ़ी है। और अपने हैंडआउट्स देखें, हैंडआउट्स में मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स भी की हुई हैं, आप उनको री प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। और फिर बुक्स देखें, जैसे संतारा राव की बुक है, वो मैंने भी वहाँ से ये एग्जांपल दो उठाई हैं। तो संतारा राव की बुक में बड़े अच्छे अंदाज से फोरियर ट्रांसफॉर्म को डील किया गया, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो नेक्स्ट दो चीज़ें हैं वो पढ़ने के लिए, और उसको फिर हम अप्लाई करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। आई होप कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।